तो आज की जो सेशन है वो आज का सेशन है मेरा कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेशन वर्ड जैसे आते हैं आप लोगों के जहन में फॉर्मूला का उदाता है कि फॉर्मूला। सर, तो हाँ, एक क्वेरी था एक्चुअली, थोड़ा सा पूछ पूछिए। लूँ क्या है वो पिवोट। अपन ने एक जो एक वर्कआउट किया था कि अपने को फील करना था, टेबल था अपना फर्स्ट लाइन में पिवोट के हिसाब से था वो टेबल, हाँ और बीच में पूरे नाइन हमें पेस्ट करने थे एज पर द वैल्यू अपीयर्स ऑन द फर्स्ट रो, ओके जो कंट्रोल शिफ्ट इंटर करके आपने करा था वो मैं ट्राई कर रहा था, बट वो मेरे यहाँ नहीं हो रहा था। देखो हुआ होता है क्या, इसमें बता दूं आपको। एक एरिया अगर सेलेक्ट कर लेते हो और इसमें अगर मैं कुछ टाइप करके एंटर मारते हैं तो एक ही सेल पेस्ट होता है। लेकिन अगर मैं इस पे कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट नहीं, कंट्रोल एंटर प्रेस करूं तो क्या होगा कि इस चीज को कॉपी करके पूरे सिलेक्टेड एरिया में पेस्ट कर देगा। और चाहे वो अच्छा। वैल्यू हो चाहे वो फॉर्मूला हो, तो अगर मैंने इक्वल किया, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल एंटर मारा तो फॉर्मूले के साथ पेस्ट हो जाएगा। और जब फॉर्मूला कोई पेस्ट ये होता तो एक सही चीज कर होता रहा है। था, जैसे आपके एक के नीचे, आपके यहाँ पे एक के नीचे एक है ना, तो वो हो रहा था, बट जैसे बीच में कुछ वर्डिंग है मेरे यहाँ पे, फिर बाद में उसको मुझे कंटिन्यू करना था, आप एक वो नहीं काम हो कर पा लो रहा ना, है। कंट्रोल जी के साथ उसका ब्लैंक सेलेक्ट कर लो। हाँ, वैसे ही कर रहा था सर जी, मैंने आपके पास फाइल खुली कंट्रोल हुई जी है, से ब्लैंक सिलेक्ट कर लिया और फर्स्ट कॉल फर्स्ट आपके हाँ पास नहीं सर फाइल जी, अभी खुली तो है मैंने अभी बंद वो? करी हुई है। नहीं सर जी, वो बंद है एक्चुअली, ऑफिस 2013 के लिए देख रहा था, तो वो कुछ इंस्टॉलेशन चल रहा था। ओके, नहीं तो मैं आपको बता देता ना। एक काम कीजिए, फाइल मेल कर सकते हैं मुझे आप? हाँ चलेगा, मैं आपको मेल मेल कर कर दूंगा दीजिए, सर मैं जी, उसको अपनी करके आपको भेज एक्सपीरियंस देता लिख हूँ। लीजिए। ठीक है सर। ओके प्रदीप जी, आपको भी कोई डाउट है? है सर, मैं पढ़ रहा था आप जब बोले, जो गूगल में सर्च वो कर रहा था, मैं वो प्रैक्टिस कर रहा था। प्रदीप जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर, कुछ आएगा तो मैं बोलूंगा आपको। ओके ओके, तो चलिए आज की टॉपिक कैलकुलेशंस के ऊपर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कैलकुलेशंस का यूज क्या है, कि क्या बेनिफिट है, ये चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको कि स्टार्टिंग में आपका आज का जो टॉपिक है वो कैलकुलेशन इसलिए है क्योंकि इससे आगे आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक्सेल के अंदर में हम विदाउट फॉर्मूला ये बहुत चीज कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास इसी पे डिपेंडेंट है कि आप कैलकुलेशंस को बिना एक्सेल, किसी एक्सेल की फॉर्मूले को यूज किए बगैर आप किस तरीके से करो। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मैथ्स जो है, मैथमेटिक्स जो है, वो उनके कुछ ऑपरेटर्स है, इक्वल, सॉरी इक्वल नहीं है, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड एंड पावर, इसी पे टिका हुआ है। मैथ का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करे तो इसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो पूरा मैथ मेरा इसी पे टिका पड़ा है। तो हम भी एक्सेल के अंदर में कोई भी कैलकुलेशन करनी हो तो इसको ही लेके हम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज जरूरत की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि जो मैथमेटिक फॉर्मूलेज है, जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जिसको आप नोट पैड पे इजिली सॉल्व कर लेते हो, वो सारे काम आप एक्सेल के अंदर में कर सकते हो। ठीक है सर, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे ग्रोथ निकालना है, तो ग्रोथ मतलब कि जैन में मेरे पास, क्वार्टर वन में मेरे पास जो है 500 की क्वांटिटी सेल हुई है, क्वार्टर टू में मेरे पास 700 की क्वांटिटी सेल हुई है। अब प्रॉब्लम है कि अब मुझे पता करना है कि क्वार्टर वन के अपेक्षा क्वार्टर टू का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैथमेटिकल ट्रिक्स की बात करें कि मैथमेटिक्स में क्या उसका सॉल्यूशन है, तो हम बोलते हैं कि क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन डिवाइड बाई क्वार्टर वन। तो मैथमेटिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास
ए फॉर्मूला है। अब इसको चाहिए करते हैं कि आपका क्वार्टर वन एक्सेल में किस तरीके से हम डील करेंगे, क्वार्टर टू 500 एंड 700। अब इसको मैं सबसे पहले इस फॉर्मूले क्वार्टर टू माइनस क्वार्टर वन, सर एक सेकंड सर होल्ड करेंगे, तो यहां पे हमने माइनस किया, फिर इसको ब्रैकेट में लेता हूं और फिर इसको मैं डिवाइड बाय क्या हमारे पास 500। तो इसमें आपको दो चीज ध्यान में रखने होते, बोर्ड मास मेथड इंपॉर्टेंट है और कुछ परसेंटेज के बारे में भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। परसेंटेज के बारे में क्लियर क्या करना चाहता हूं आपको कि अब देखिए, अब यहां पे अगर हम नॉर्मल एक्सेल की बात करें तो इसमें मल्टीप्लाई हुए 100 करते हैं, तो एक्सेल में मल्टीप्लाई हुए 100 करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप परसेंटेज पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हुए 100 हो जाता है। अब जैसे कि मैंने 80 लिखा, 80 के साथ मैंने परसेंटेज लिख दिया और एंटर मारा, तो ये आपका दिखता है 80 लेकिन उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है 080। अगर मैं इसको एग्जाम्पल ही समझाऊं तो इसमें क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कि 700 का 25% निकालना है तो आपका मेथड क्या है, आपका क्या बोलते हैं, अगर नोटपैड का मेथड क्या है आपका, नोटपैड का मेथड है कि 700 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। ये एक्सेल के अंदर एक नोटपैड पे मैथमेटिक के जरिए हम इस तरह से यूज करते हैं, लेकिन जब एक्सेल में हम अगर यूज करेंगे तो यहां पे इक्वल 700 मल्टीप्लाई बाय 25%। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का सिंबल लगाते ही 25 डिवाइड बाय 100 ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेम इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको कुछ और करना है, आपको मान लीजिए कि 900 का पेपर था उसमें से आपने 625 अचीव किया, तो आपने कितना परसेंट अचीव किया, तो मैथमेटिक ट्रिक क्या कहता है कि 625 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 100 ये बोलता है, मैथमेटिक्स रूल से ये बोलता है। लेकिन जब आप नॉर्मल एक्सेल पे लगाते हैं कि 9 यहां पे 625 डिवाइड बाय 900 और इसमें मुझे 69 सिंपल शो करना हो तो मैं मल्टीप्लाई 100 करेंगे, लेकिन 69 के साथ मैथमेटिकल इसका परसेंटेज का सैंपल शो करना हो तो जस्ट मैं परसेंटेज के सैंपल पे क्लिक करूंगा, परसेंटेज का सैंपल दिख जाएगा। ठीक है सर, हेलो, यस सर, यस सर, समझ आ गया ना आपको ये? आया सर। और दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग परसेंटेज में कि आपने इस तरीके से लिख रखा है, आपने परसेंटेज का सैंबल लगाना भूल गया, इस पे अगर आप सेलेक्ट करके परसेंटेज का सैंबल लगाते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देगा, तो आपके पास चारा क्या है कि आप एक एक कमेंट जाओ, परसेंट का सिंबल लगाओ, एंटर मारो, या फिर मेरे पेस्ट स्पेशल वाले मेथड को अपना लो, 100 वो कहीं पे रखो, कॉपी करो और फिर इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे आप डिवाइड कर दो ऑपरेशंस में, उसके बाद सिंबल अप्लाई करो, आपका परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। तो परसेंटेज का हम सारी चीज समझ चुके हैं, अब चलिए हम कुछ और करते हैं, अब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला को एक्सेल में लगाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके पास हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, हम बचपन में बड़ा पढ़ा करते थे इसको कि पी इक्वल टू 50,000, आर इक्वल टू 10%,
टाइम इक्वल टू 5 ईयर्स और मुझे इस पे अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग करते थे पी मल्टीप्लाई वाई 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन पावर ऑफ पी मल्टीप्लाई बाई एन, यही था ना सर, मैं भूल तो नहीं रहा हूं। रविंदर जी कंपाउंड इंटरेस्ट का यही फॉर्मूला था ना? याद नहीं आ रहा सर जी, बहुत शायद यही हो। मैं भी आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है सर, यही है फॉर्मूला। इसमें एक दिक्कत है, हम लोग वहां पे आर वाई 100 करते थे, यहां पे हम आर वाई 100 नहीं कर सकते क्योंकि मेरा जो परसेंटेज ऑलरेडी डिवाइड बाय 100 है, ठीक है ना? ओके। अब इसमें क्या है कि इस मैथमेटिक को जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हो ना तो ब्रेकअप करके लगाया करो, बाद में उसको कंबाइन करो। यहां पे एक और टॉपिक आपका कवर होता है फॉर्मूला मर्जिंग, ठीक है? एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूला में किस तरीके से मर्ज करोगे वो आपको यहां भी आपके इक्वेशन कोड में मिलेगा, ठीक है? सिंपलेस्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मूला राइटिंग। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले हम 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन करेंगे। तो ब्रैकेट में बोर्ड मास में तरफ ला दीजिएगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई एन बार, मतलब कि नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, ओके? फिर इसको कैलकुलेट करते हैं टी बाई एन, तो मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों का पावर निकालना है। तो पावर निकालने का सिंबल क्या है, आपका ए है, तो इसको कर दीजिए पावर ऑफ, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लाई बाई पी, तो 50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वन प्लस आर, ओ गलत हो गई, गलत हो गई, हमने छोटी सी गलती कर दी सर, यहां पे गलती हुई है। देखिए बोर्ड मास में थर्ड हमने गलत यूज किया था। अब आया, ठीक है सर? तो हमने इस फॉर्मूले के लिए 4 सेल को यूज किया लेकिन मुझे इसको 1 सेल में चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, हमने देखा कि यहां पे जो हमारा 2 है, ए 2 इन दोनों से डिपेंडेंट है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको कॉपी करता हूं कंट्रोल सी, और जहां पे E14 है उसके जगह उसकी फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूं। अब इसको मैं अगर डिलीट कर दूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करने से पहले मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं, पेस्ट करने से पहले ब्रैकेट यूज किया कीजिए। अब इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देन मैं इसको कॉपी किया और यहां पे क्या था, कौन सा ले था, E15 F15 था, तो मैं F15 के ऊपर ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा और उसको पेस्ट कर दूंगा। आपका बन गया एक्सेल में फॉर्मूला। अगर मैं इकट्ठा लगाता तो थोड़ी सी गलतियां होने की चांसेस थी, गलती होता तो उसको ट्रेस करना मुश्किल था, इसलिए मैंने एक एक सेल में लगाया। जहां पे गलती हुई थी तो मैं उसको इजीली ट्रेस कर लिया कि मेरा गलती फलाने जगह पे है और मुझे उसको सॉल्व कर लिया।
आपको फॉर्मूला जब भी आप अगर बड़े बड़ी फॉर्मूला लगा रहे हो, नेस्टेड फॉर्मूला लगा रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट सेल में आप लगाइए। जब फॉर्मूला का रिजल्ट 100% सर्टिफाइड हो जाएगी, रिजल्ट इज द गुड, रिजल्ट इज ओके, देन यू विल मर्ज मर्ज ऑल फॉर्मूला इन द वन फॉर्मूला। ओके 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 सर, कोई डाउट सर? फिलहाल तो कोई नहीं है सर। हाँ, दिस इज अ गुड वे ऑफ द फॉर्मूला राइटिंग एंड यू कैन यूज दिस। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है भी, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके है, और नेक्स्ट एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला मर्जिंग इंपॉर्टेंट क्यों, व्हाई यूज द फॉर्मूला मर्जिंग। ये फॉर्मूला मर्जिंग किसी और का नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ है, आप कहीं भी इस चीज को नहीं देख पाओ देखोगे। अब एक और हम छोटी सी एग्जांपल आपको दे रहे हैं जिससे आपको फॉर्मूला मर्जिंग के बारे में और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मान लीजिए कि मुझे एमआरपी निकालनी है। एमआरपी के मतलब समझते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हर प्रोडक्ट पे एक एमआरपी लिखी होती है। तो एमआरपी किस तरीके से रखा जाता है उसका ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई कंपनी अगर एमआरपी रखती हो तो कैसे रखती है। तो मान लीजिए कंपनी सबसे पहले निकालती है कॉस्ट, कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है प्रोडक्ट का। तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 50 रुपीज है। कंपनी बोलती है कि 5% की कमीशन, 5% प्रॉफिट लेके हम दे देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। कंपनी बोलती है कि मिनिमम 5% मेरे पास तुम्हारा कमीशन होना ही चाहिए प्रोडक्शन कॉस्ट का। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि भैया कम से कम हम 10% की 10% के प्रॉफिट पे ही आगे बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे। कंपनी बोलती है कि 50 रुपए का प्रोडक्ट है, हम कम से कम आपको 52 रुपीज में देंगे। तो कस्टमर वो बोलती है कि मैं कम से कम 54 रुपया में बेचूंगा इसको, 54 या 55 रुपया में। 10% का कमीशन बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटर मैं रखूंगा। फिर होलसेलर बोलता है कि मैं 15% से नीचे नहीं बेचूंगा, ठीक है। और फिर रिटेलर को 20% दिया जाता है। तो ये सारे बात यह है कि आप ऐसा करोगे सर, जोड़ लो, सिंपल सी बात है, 50% हो गया, 50% मैंने 75 रुपया कर दो इसका एमआरपी। लेकिन 75 रुपया नहीं करना, क्योंकि जो 5% है 50 पे, और जो 10% है वो 5% प्लस 50 का 10% है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे ही सारा डिपेंड है। डिस्ट्रीब्यूटर करता है कि मेरी खरीद जो मुझे खरीद पड़ती है, जितने मैं जितने रुपीज मैं खरीदता हूँ उतने ही रुपीज में आगे में सेल करूंगा, उसका 10% कमीशन में सेल करूंगा। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी एमआरपी निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल वे एमआरपी लगाने लगा कि मैं 50 का 5% निकालूंगा, देन 50 में इसको जोड़ दूंगा। फिर 10% जो निकलेगा वो निकलेगा 52% पे, 52.5 पे 10%, और फिर इसमें जुड़ जाएगा। देन इसको हम यहां पे वापस इसका 20%, ठीक है। तो फाइनली 50 रुपीज का प्रोडक्ट मार्केट में आते आते 79 रुपीज का हो गया, ठीक है सर। ओके, समझ आया प्रदीप जी आपको? अब पता चला महंगाई कैसे बढ़ती है। महंगा मनमोहन सिंह को दोष दे रहे थे आप कि वो महंगाई बढ़ा रहा है। ओके, अब प्रॉब्लम आया कि इसको एक सेल में कैसे कंबाइन करें। यहां पे दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द फॉर्मूला मर्जिंग। तो वेयर जहां जहां हमारा 5% है उस वहां वहां 5% मैं मैनुअली लिख देता हूं मैं यहां पे ताकि लिंक ब्रेक हो जाए, और देखते रहिएगा कि आपका रिजल्ट चेंज तो नहीं हो रहा है। रिजल्ट चेंज हो रहा है कि आपने कहीं पे गलती की है। अब इसको डिलीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। देन मैं इसको कॉपी करूंगा, नहीं
कंट्रोल सी, और यहाँ पे जहां पे आपको दिख रहा है ना E27, एंटर E27 को ब्रैकेट में रख देंगे यहाँ पे, मतलब कि उस सेल के अकॉर्डिंग उस जहां पे उसका सेल आ रहा है उस सेल के जगह पे उसकी फॉर्मूला लिख देते हैं, मतलब रेफरेंस के जगह रेफरेंस का फॉर्मूला रख देते हैं हम यहाँ पे। F27 इसको डिलीट करते हैं, ब्रैकेट ओपन, और फिर इस पे पेस्ट करते हैं। कॉपी किया G27, ब्रैकेट ओपन, और इस पे पेस्ट कर दिया। इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, स्केप मारिए, जहां पे H27 है ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उस पे पेस्ट कर दीजिए। ऊपर वाला लाइन क्लोज हो गया, अब देन इस पे आते हैं। कॉपी किया और यहां पे है E28 को डिलीट किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, बीच में कर्सर लेके आया और पेस्ट कर दिया। मैं E28 को डिलीट कर सकता हूं, फिर मैं इसको कॉपी करता हूं, F28 को कॉपी किया। अब यहां पे जहां जहां F28 है पेस्ट करता हूं, ब्रैकेट का बीच में डालिएगा ताकि बाद में ब्रैकेट लगाने में झंझट ना हो आपको, बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है जब आप ब्रैकेट क्रिएट करोगे देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। G28 सेलेक्ट हियर, पेस्ट, क्लोज द ब्रैकेट, अगेन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, पेस्ट इन बिटवीन ऑफ द ब्रैकेट, एंटर एंड डिलीट द लिंक। अब इसको कॉपी कीजिए, कॉपी में कट कट करके वेज योर कोस्ट उसके सामने आप पेस्ट कर दीजिए। ओके अब सी दिस, अगर आप इसको मैन्युअली इस फॉर्मूला मर्जिंग मेथड से नहीं यूज करते, सिंपल है तो सिंपल मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एडिशन सब मल्टीप्लाई एडिशन है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है जो आपको नहीं आता हो, नॉर्मली आप भी उसको प्लस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट रीजन ये है कि इतनी बड़ी लंबी फॉर्मूला अगर आप लिखते तो कहीं ना कहीं आपको ब्रैकेट मिस होता, कहीं ना कहीं आपका परसेंटेज कुछ भी मिस होता, प्लस मिस होता, और इससे दिक्कत हो सकती थी आपको। मैं भी अगर इतनी लंबी फॉर्मूला लिखने बैठूं तो मैं भी एग्जैक्ट फॉर्मूला को लिख नहीं पाऊंगा। तो आगे क्लासेस में आपको इसी तरह की बड़े बड़े फॉर्मूले लिखने हैं। बेस्ट वे टू डू द फॉर्मूला, यस सर, मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वे ऑफ द राइटिंग द मल्टीपल नेस्टेड फॉर्मूला। बट हर फॉर्मूले को इस वे से हम नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि आप नेस्टेड इफ की बात करो, वी कैन डोंट राइट दिस मेथड। आप बात करते हैं एरर फॉर्मूला का, बिकॉज उसमें क्या है कि किसी और सेल से लिंकिंग नहीं हो सकती है, एक ही सेल के अंदर सारा लिंक क्रिएट करने होते हैं। लेकिन अदर देन और भी बहुत सारे बड़े फॉर्मूले होते हैं जो आगे चल के बनाओगे तो उसमें आपको बहुत सहूलियत करता है। ये समझिए कि 95% जगहों पे आप इसका यूज कर सकते हो, 5% भी इस मेथड का यूज नहीं कर सकते हो। आप खुद अंडरस्टैंड कर जाओगे जब इस तक देखोगे ना, खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा कि नहीं इसमें फॉर्मूला नेस्टिंग मर्ज नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जैसे कि आप बड़े बड़े दो जिसमें आप दो तीन फॉर्मुलेज को इकट्ठा ले रहे हो, एक फॉर्मूले का इनपुट दूसरे फॉर्मूले का आउटपुट पर डिपेंड करता है, देन यू कैन राइट दिस। या फिर जहां पे कंफ्यूजन पैदा होती है कि फॉर्मूला हाउ कैन वर्क फॉर्मूला, हाउ कैन राइट अ फॉर्मूला, तो उसको आप इंडिविजुअली वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक सेल पे राइट करते जाओ, रिजल्ट गेट करते जाओ। आफ्टर देन अगर यू गेट द फाइनल रिजल्ट देन यू विल मर्ज द फॉर्मूला वन बाय वन। और मर्ज करने का सिंपल स्टेप है कि जो फॉर्मूला जिस सेल से लिंक है उस सेल के अंदर की फॉर्मूलेज को कॉपी कीजिए एंड देन रिप्लेस इट और वहां पेस्ट कर दीजिए।
प्रदीप जी हैव एन डाउट? नहीं सर, नहीं है? नहीं सर। तो फॉर्मूला नेस्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे आपको बोर्ड मास मेथड यूज करने पड़ते हैं, और बोर्ड मास मेथड यूज करके ही आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। ठीक है सर? ओके। अब मैं आपको एक स्कैन किया हुआ फाइल मेल कर रहा हूं आप दोनों आदमी को, उसमें तकरीबन 10 से 20 एग्जांपल्स हैं इस फॉर्मूला नेस्टिंग का, क्वेश्चंस हैं मैथमेटिकल, नॉन, इसमें कोई एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला यूज नहीं करने, ठीक है, क्योंकि आगे फॉर्मूला को समझने में आपको दिक्कत होगी। तो मैं आपको एक स्कैन कॉपी अभी मेल कर रहा हूं, 5-10 मिनट टाइम लग जाएगा मुझे स्कैन करने में। तब तक आप लोग इंटरनेट से जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आप नोटपैड में राइट कर सकते हैं। इस मेथड बताने का एक और कंसर्न है, एमआरपी नाम का फॉर्मूला मेरे एक्सेल में नहीं था, या था तो मुझे पता भी नहीं है। तो उस सिचुएशन में कि आपको फॉर्मूला पता नहीं है कि फॉर्मूला क्या हो सकता है, बट आपको स्टेप पता है कि अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए तो आप उसको 2 मिनट में मैनुअल करके नोटपैड में कर दोगे। तो जो कैलकुलेशंस, जो रूल्स को आप नोटपैड पे फॉलो कर सकते हो, उसको आप एक्सेल में भी फॉलो कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक्सेल के अंदर में अवेलेबल है, बट मुझे अभी पता नहीं है। मुझे एक्सेल के बारे में पता नहीं कि कैसे निकलेगा, बट मुझे इतना पता है कि मैं नोटपैड पे मेरे पास मिल जाए तो मैं हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के मेथड से हम उसको बना सकते हैं। देन हमने इसको यहां पे उतार दिया। तो कोई भी फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको एक्सेल में यूज कर सकते ना। जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मूला आपका यही होना चाहिए, मैथमेटिकल होना चाहिए, एनीथिंग फॉर्मूला आप अपने वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो कि क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेशन वगैरह यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको प्रूफ करना है कि क्या है सही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम a को मान लेते हैं नंबर, हमने a को मान लिया 5 और b को मान लिया मैंने 2। तो पहला यहां पे आता है a प्लस बी, मतलब कि 5 प्लस 2 दैट पावर ऑफ 2, 49 आया। अब यहां पे हमारा दूसरा पक्ष भी इस तरह से आना चाहिए, तो मैंने यहां पे किया 5 पावर ऑफ 2 प्लस 2, और यहां पे 2 पावर ऑफ 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई बाई वापस 2 49। ठीक है ना, इस तरह की कैलकुलेशन कर सको। तो मैं आप लोग तब तक आप 8-10 फॉर्मूले इस तरह से निकालिए खुद से, बाकी मैं 10 क्वेश्चन मैं आपको खुद दे रहा हूं जिसको करना है, उसमें कुछ नहीं है, बस बोर्ड मास मेथड के यूज करना है और आपको अप्लाई करना है। ठीक है सर जी, ठीक है, आपको मैं मेल कर रहा हूं।